आगे चलते हैं, एक दूसरे फुटबॉल के मैदान के बारे भी हम देखते हैं। उदाहरणों में आपने यह देखा कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो परस्पर लंब रेखाओं की सहायता से बताई जा सकती है। इस विचारधारा से गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से हम आपको परिचित कराएंगे। प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस पर अध्ययन किया। उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल प्राप्त किया। उनकी विधि अक्षांश और देशांतर की विचारधारा का ही एक विकसित रूप थी। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। दकार्ते ने एक तल पर परस्पर लंबवत दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं। इस अध्याय में हमने एक क्षैतिज यानी आड़ी और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा का उपयोग किया है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज रेखा एक्स डैश एक्स को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है। चूंकि ओ एक्स और ओ वाई दिशाओं में धनात्मक संख्याएं स्थित हैं, इसलिए ओ एक्स और ओ वाई को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं कहा जाता है। ये दोनों अक्ष तल को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इन चार भागों को चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा जाता है। इन्हें ओ एक्स से वामावर्त दिशा में क्रमशः एक दो तीन और चार चतुर्थांश कहा जाता है। इस प्रकार इस तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। इस तल को कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। हम निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का पता कैसे करेंगे, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष खींचिए। पहले चतुर्थांश में कहीं पर एक बिंदु पी लीजिए। पी से एक्स और वाई अक्ष पर क्रमशः लंब पी एम और पी एन डालिए। यहां वाई अक्ष से बिंदु पी की लंबवत दूरी पी एन चार इकाई है। इसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है और एक्स अक्ष से बिंदु पी की लंबवत दूरी पी एम तीन इकाई है। इसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है। इन दूरियों की सहायता से बिंदु पी का निर्धारण करेंगे। किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित परंपराओं का ध्यान रखते हैं, आइए इन्हें देखें। पहला बिंदु है, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है जिसे एक्स अक्ष पर मापा जाता है। यह दूरी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु पी के लिए यह धन चार है। एक्स निर्देशांक को भुज या एप्सिसा कहा जाता है। दूसरा बिंदु, किसी बिंदु का वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है जिसे वाई अक्ष पर नापा जाता है। यह दूरी वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु पी के लिए यह धन तीन है। वाई निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। तीसरा बिंदु, निर्देशांक तल में
किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद y निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांकों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में 4, 3 कोष्टक बंद हैं।